हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज आप लोगों का फाइनली इंतज़ार जो है समाप्त हो चुका है। रिज़ल्ट आपका आ चुका है, फाइनल आंसर की भी रिलीज हो चुकी है। तो आपको डायरेक्ट NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखना है। आप देखेंगे तो पाएंगे फाइनली आंसर की जो है यहाँ पर रिलीज़ की गई है। तो अगर आपको फाइनल आंसर की देखनी है तो यहाँ से आप ओपन करेंगे और जो रिज़ल्ट है वो आपका यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो मैं डायरेक्टली आपको ओपन करके दिखाती हूँ। आगे चलने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट UG से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, रिज़ल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो गाइस, फाइनली जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। एक बार हम देख लेते हैं कि रिज़ल्ट जो है उसमें क्या रहा है। देखिए तो गैस, ये मैंने जो है रिज़ल्ट ओपन कर दिया है। सब्जेक्ट NTA डिक्लेयर द रिज़ल्ट NTA स्कोर रैंक ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो कब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। कितनी सिटीज़ में एग्ज़ाम हुआ था वो आप देख सकते हैं, 13 लैंग्वेजेस में हुआ था और आउटसाइड इंडिया भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद गैस, NTA जो है नीट का रिज़ल्ट आज जो है रात को डिक्लेयर कर दिया है। तो इसके अंदर जो हाइलाइट्स पॉइंट है वो आपको यहाँ पर देखने हैं। 2019-20-21-22 का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मैं मेन चीज़ है ओनली वो आपको दिखाने वाली हूँ। ये PDF फाइल जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज वाइज कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था वो यहाँ पर दिया गया है। कितने स्टूडेंट क्वालिफाई रहे, मेल में कितने रहे हैं, फीमेल में कितने रहे और ट्रांसजेंडर में कितने रहे हैं, क्वालिफाइड टोटल देख सकते हैं आप। काफ़ी बड़ी लिस्ट आप लोगों के सामने है। 9,93,069 जो है क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है टोटल मिलाकर। और गाइस, ये कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स दिए हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, कितनों ने अपीयर किया, कितनों ने क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज भी दिए हैं। उसके बाद गाइस, यहाँ पर जो लिस्ट दी है, क्वालिफाइड मार्क्स दिए हैं कि कितने क्वालिफाइड दिए हैं, इंडियन कितने हैं, फॉरनर, NRI, OCI, PIO, ठीक है, कितने कितने हुए हैं। यहाँ पर गाइस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हैं, कितने कितने कैटेगरी वाइज चाहिए। दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, कि कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स जो है होने चाहिए। ये 2022 का दिया है, ये 21 का था और कट ऑफ जो है काफ़ी कम गई है। हाईएस्ट मार्क्स भी स्टूडेंट्स आपके कम रह गए। जैसे अब तक बोला जा रहा था 720 मार्क्स आएंगे, लेकिन 720 मार्क्स नहीं आए। यहाँ पर स्टेट वाइज कैंडिडेट्स की लिस्ट दी गई है और गाइज ये पूरी स्टेट लिस्ट दी गई है। और टॉप 50 की मैं अगर बात करूँ तो देखिए 720 कोई भी स्टूडेंट नहीं है। जो दावा कर रहे थे, चार स्टूडेंट ऐसे निकले हैं जिनके टॉपर मार्क्स 715 मार्क्स आए हैं, 720 मार्क्स उनके नहीं आए हैं। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब की बार ये जो लिस्ट थी 720 मार्क्स भरने की, वो टॉपर्स का जो सपना था वो सपना पूरा नहीं हो पाया। 715 टॉपर मार्क्स के स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। तो गाइज, अगर आपने पार्टिसिपेट किया था तो रिज़ल्ट आ चुका है, देख सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।